वेलकम टू योर सक्सेस। आई होप यू गैज आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। तो यह वीडियो बहुत ही सिंपल और इजीएस्ट वीडियो होगा आज तक का। तो आज मैं जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी। तो जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वो है आपका सेंटेंस, यानी कि वाक्य। तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो भी एक सेंटेंस है। तो सेंटेंस हर जगह मिलते हैं आपको, आप जो भी बोलते हैं या फिर जो भी लिखते हैं वही आपका सेंटेंस है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सेंटेंस। तो फर्स्ट मैं आपको दे देता हूँ सेंटेंस का डेफिनेशन, इससे कि आप जान सके कि सेंटेंस क्या है, व्हाट इज सेंटेंस। तो चलिए मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। तो आपका डेफिनेशन जो है वो इस प्रकार होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी कि आपका जो वर्ड्स को मिला के कोई मीनिंग निकल के आया तो फिर वो होगा आपका सेंटेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यह खुद में ही एक सेंटेंस है, यानी कि इससे आपको पता चल रहा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिला के कोई मीनिंग निकले तो वह सेंटेंस है, इसीलिए यह भी एक सेंटेंस ही है। तो चलिए मैंने आपको डेफिनेशन इंग्लिश में बता दिया है, तो मैं आपको हिंदी में भी इसका डेफिनेशन बता देता हूँ। तो आपका हिंदी में जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार होगा, शब्दों का समूह जिसका संपूर्ण अर्थ निकले उसे हम वाक्य कहते हैं। तो सेंटेंस को हिंदी में हम वाक्य बोलते हैं, आप सभी को पता ही है। तो शब्दों का समूह यानी कि शब्दों को मिलाकर अगर कोई संपूर्ण अर्थ यानी कोई मीनिंग निकलता है तो उसे हम वाक्य कहते हैं यानी सेंटेंस कहते हैं। तो आई होप कि आपको डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके कि सेंटेंस क्या है। तो राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पर फोर वर्ड्स है यानी कि चार शब्द है। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे डेफिनेशन में देख सकते हैं, शब्दों का समूह जिसका संपूर्ण अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, शब्दों का समूह यानी कि चार शब्द हैं यहाँ पर, राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल यानी कि राम फुटबॉल खेल रहा है। तो यह इससे आप समझ सकते हैं कि राम फुटबॉल खेल रहा है। तो इस यह हो गया आपका एक सेंटेंस, शब्दों का समूह को मिलाकर आपको कुछ समझाता है, यह राम फुटबॉल खेल रहा है। तो यह हो गया आपका सेंटेंस। तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ पर सेंटेंस दो पार्ट्स में बटा गया है और वो है आपका नंबर वन सब्जेक्ट यानी कि कर्ता और नंबर टू प्रेडिकेट यानी कि विधेय। तो आपको मैं पहले तो कर्ता का डेफिनेशन बता देता हूँ। तो कर्ता का डेफिनेशन जो है वो इस प्रकार होगा, द वर्ड अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी कि जो शब्द जिसके बारे में कुछ कहा गया हो। तो चलिए मैं आपको हिंदी में भी डेफिनेशन दे देता हूँ, वह शब्द जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह कर्ता कहलाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एग्जांपल है आपका, यू आर अ बॉय। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जो है वो हो गया आपका यू, क्योंकि आप यू के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि वह एक लड़का है, यू आर अ बॉय। तो यू यहाँ पर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। तो आपका नेक्स्ट जो है वो है प्रेडिकेट यानी कि विधेय। तो प्रेडिकेट का भी मैं आपको डेफिनेशन दे देता हूँ, समथिंग सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, यानी कि मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट यहाँ पर यू आर अ बॉय में यू था, तो यू के बारे में कुछ कहा जाए तो वो हो जाएगा आपका प्रेडिकेट यानी कि विधेय। तो चलिए मैं आपको हिंदी में भी इसका डेफिनेशन दे देता हूँ, कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। यहाँ पर यू आर अ बॉय कहा था मैंने, तो यू सब्जेक्ट था, तो आर अ बॉय यानी कि बॉय यहाँ पर ये सब्जेक्ट के बारे में कहा गया है, तो आर अ बॉय हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। तो चलिए मैं आपको समझा दिया हूँ कि पार्ट ऑफ सेंटेंस और सेंटेंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो मैं आपको और एक चीज़ बताऊँगा आज, वो है आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यानी कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको मैं ये बता दूँ कि सेंटेंस आपके होते हैं चार प्रकार के। तो वो है आपका असर्टिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। तो यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे तो इसका मतलब है आपका असर्टिव यानी कि साधारण वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, यहाँ पर आपको प्रश्न किए जाएंगे, प्रश्न करने वाले वाक्य को इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो आपका नेक्स्ट और थ्री नंबर है इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य।
इस वाक्य के द्वारा आपको कमांड दिया जाएगा, रिक्वेस्ट किया जाएगा, एडवाइस दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ अगर आपने किसी वाक्य में देख लिया तो वो हो जाएगा आपका इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य। और आपका लास्ट में आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्य, यानी कि इसमें आपको कुछ एक्सप्रेस करने को मिलेंगे, यानी कि इमोशंस, फीलिंग्स, ये सारी चीज़ एक्सप्रेस होंगे ये इस टाइप के वाक्य में। तो यही थे आज के वीडियो में, मैंने आपको आज पढ़ाया है सेंटेंस का डेफिनेशन, उसके पार्ट्स और उसके टाइप्स, यानी कि वह कितने प्रकार के होते हैं। तो यह सारे चीज़ आज को आपको पढ़ाने थे। तो इससे आगे अगर मैं पढ़ाऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको समझने में मुश्किल भी। और यह जो टाइप्स है, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आने वाले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि आप सभी को वीडियो समझ में आ गया होगा और आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।